इफेक्ट तो ये है कि मेरा इंटरेस्ट मशीनरी में रहता है ज़्यादा, कि कोई नई चीज़ करके देखी जाए क्या है उसका, इसलिए वुड-माइज़र मैंने लिया। देखिए टीक वुड में मेरा बिजनेस करीब करीब 16 साल से है, और लेकिन मैं टिम्बर लाइन में करीब करीब 40 ईयर्स। हिंदी में यही है, पहले तो हमारे प्लैंक्स कटते हैं, फिर उसके बाद ये छोटे कटर पे जाते हैं, कटर पे फिर उसका साइज बनता है बिल्डिंग बनाने के लिए, जिस भी टाइप की बिल्डिंग बननी है जितनी थिकनेस पे वगैरह पे बनती है पहले, फिर वो बिल्डिंग कटती है, फिर बंडलिंग में जाती है, उस पर बंडलिंग में जाएगी तो जो वेस्टेज है जो ख़राब है वो पीस वहाँ कट हो जाता है, बंडलिंग वाला फ्रेश बंडलिंग करके फिर वो सेल के लिए तैयार हो जाती है। यानी पहले तो मैं मशीन पर खड़ा होकर करता रहा, काम करवाता रहा, मतलब वॉच आउट करता था, लेकिन अब तो मतलब वो सेटिस्फाइड हो लिया, अब तो ऑफिस में बैठ के ही होता है बस। उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि अब उनको भी जाना पड़ेगा वुड-माइज़र जैसी मशीनों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वुड लॉस बहुत है, दूसरी अपनी लोकल मशीन जो है यहाँ की उसमें वुड लॉस बहुत है, एक्यूरेसी नहीं है, तो बेसिक अच्छा होगा कि वो लोग भी अडॉप्ट की करें बढ़िया मशीन।